यूसील के मजदूरों ने न्याय सदन में ज्ञापन दिया और न्याय की मांग की है। उन्होंने 15 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। न्याय सदन अपनी मांगों को लेकर पहुंचे यूसील मजदूरों का कहना है कि उन्हें समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कराया जा रहा है, जिसमें उल्लेखित है कि किसी भी तरह की दुर्घटना या घटना में भरपाई न ठेकेदार करेगा और न यूसील प्रबंधन। यदि कोई मजदूर हस्ताक्षर करने से मना करता है तो उसे काम से हटा दिया जा रहा है। कुरामली से आए हैं हम लोग को एग्रीमेंट पेपर, कुछ ऐसा एग्रीमेंट पेपर में साइन करवाया जा रहा है जो उसमें लिखा हुआ है कि आपको अगर मान लीजिए किसी तरह का दुर्घटना या कुछ क्षतिग्रस्त होता है उसका भरपाई ना ठेकेदार करेगा न UCIL करेगा। जो सिग्नेचर नहीं कर रहा उसको बैठा दिया जा रहा है और ना वहाँ मेडिकल सुविधा है, ना बोनस है, ना कुछ भी है, कोई भी सुविधा। UCIL का ठेकेदार लेबर है, हम लोग वहाँ पे कोई 6 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से काम कर रहा है। कितने हैं टोटल आप लोग? हम लोग टोटल 80 आदमी है वहाँ पे अभी। अब क्या समस्या हो रहा है? समस्या है मतलब कि किसी तरह का वहाँ कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है और जबरदस्त एक तो उड़ीसा से कोई पेपर लेकर के आया है आपका एग्रीमेंट पेपर और उसमें सिग्नेचर करवा रहा है और नहीं करने से, सिग्नेचर नहीं करने से बैठा दिया। हम लोग को तो धमका रहा, पूरा धमका ही रहा है। मतलब क्या, जिसे सिग्नेचर करेगा तो बैठा, नहीं करेगा सिग्नेचर तो बैठा देंगे। टेलको थाना क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला करने वालों की गिरफ्तारी की मांग लेकर भाजपाइयों ने वरीय पुलिस अधीक्षक से की है। वरीय पुलिस अधीक्षक के पास पहुंचे भाजपाइयों ने टेलको थाना क्षेत्र में 2 दिनों पूर्व भाजपा कार्यकर्ता संदीप मित्रा पर हमला करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञात हो कि संदीप मित्रा पर 5 लोगों ने हमला कर घायल कर दिया था, उसका इलाज TMH में चल रहा है। राजा मार्केट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और बच्चे लोगों का लड़ाई में गार्जियन आ करके दबंगई टाइप का गुंडागर्दी करके भारतीय जनता पार्टी के साधारण से कार्यकर्ता को बुरी तरह से मारा गया और सुविधा हम लोग बड़ा बाबू को भी दिए लेकिन बड़ा बाबू का कोई उसको गिरफ्तारी नहीं हुई, इस कारण हम लोग SSP साहब से मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 2 मई को प्रदेश स्तरीय छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। संवाददाता सम्मेलन बुलाकर उक्त जानकारी देते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महानगर मंत्री प्रभात शंकर तिवारी ने बताया कि आगामी 2 मई को प्रदेश छात्र सम्मेलन का आयोजन होगा। सम्मेलन में छात्राओं की शिक्षा सुरक्षा एवं सशक्तिकरण मुख्य एजेंडा होगा। ये 2 मई 2015 को जमशेदपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है जिससे पूरे प्रदेश स्तर की छात्राएं सहभागिता दे रही हैं, भाग ले रही हैं और इसमें हमारा थीम है महिला शिक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण। छात्राएँ अपने अधिकार को पहचाने, महिलाएँ सुरक्षित कैसे रहें इस विषय पर एक ज्ञापन भी दिया जाएगा और महिला शिक्षा सुरक्षा सशक्तिकरण ही तो हमारा विषय है ही, इस पर छात्राएं और कैसे जागरूक हों, कैसे आगे बढ़ें, इन विषयों पर चर्चा होगी। सुनारी में एक शाम साई के नाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में दूर दूर से आकर भक्तों ने भाग लिया और भजन का आनंद उठाया। दूसरी ओर मानगो वसुंधरा अपार्टमेंट में भी साईं भजन का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आशय बसों और आवा रसो माँ उद्घोष के साथ बासंती दुर्गा पूजा का समापन हुआ। महिलाओं ने सिंदूर दान कर रस्म अदा किया और माँ दुर्गा को विदाई की।
विजयादशमी आज माँ का विसर्जन है, विसर्जन होता है आज, मई का है, मई का से अभी वो ससुराल जा रही है, तो इसीलिए आज जो लोग शादीशुदा औरत होते हैं उन लोगों का अपने में माँ को पहले मतलब हम लोग सिंदूर दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग अपने में उसको जो जो शादीशुदा रहते हैं हम लोग अपने में उसको खेलते हैं। रामनवमी विसर्जन के दौरान कदमा सुनारे बिष्टुपुर साक्षी मान को सभी क्षेत्रों में विभिन्न अखाड़ों द्वारा करतब दिखाए गए और शांतिपूर्ण माहौल के बीच विभिन्न घाटों में विसर्जन हुआ। जीआरडी कॉम्प्लेक्स में सब जूनियर अंडर 7 बालक एवं बालिका शतरंज प्रतियोगिता में लगभग 80 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ईस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन द्वारा अंडर 7 बॉयज एंड गर्ल्स चेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। बालक वर्ग में कुल 59 तथा बालिका वर्ग में 20 प्रविष्टियां आई हैं। प्रतियोगिता 31 मार्च तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में विजेताओं को उच्च वरीयता मिलेगी और राज्य का प्रतिनिधित्व करने का मान्यता भी मिलेगी। ये सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट अंडर 15 यानी कि सब जूनियर चेस चैंपियनशिप कल से शुरू हुई है, इसके साथ साथ अंडर 7 चैंपियनशिप भी शुरू हुई है, दोनों बॉयज एंड गर्ल्स सेक्शन में है। सब जूनियर सेक्शन बॉयज में 59 प्लेयर्स है और गर्ल्स सेक्शन में 20 प्लेयर्स है। ये कितने दिन होगा? ये 28 तारीख से 31 तारीख तक चलेगी और इसमें से हम लोग बच्चे को सिलेक्शन करके स्टेट चैंपियनशिप में भेजेंगे।